पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार के रायपुर सेंट्रल जेल में बंद कोल लेवी मामला के आरोपी व्यापारी सूर्यकांत तिवारी ले मुलाकात करे बर पहुंचे रहेंगे। हालांकि ओमनहा सूर्यकांत तिवारी ले मिले के अनुमति नहीं दिए गए से उन्हें ये मामला ला लेके भाजपा और कांग्रेस सामने सामने है। यही कड़ी ला लेके मंत्री केदार कश्यप पूर्व सीएम भूपेश बघेल ऊपर निशाना साधे है। ओमनहा कही ने की सूर्यकांत तिवारी जो प्रदेश में एक ले एक बढ़ के भ्रष्टाचार किए है, जोन मन हा संरक्षण दिस आज उही हा ओमन ले मिले बर आतुर हो चुके हैं। उहे केदार कश्यप के ए बयान के बाद कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला हा पलटवार किए हैं। सूर्यकांत तिवारी जिसने पूरे प्रदेश में एक से बढ़कर के एक भ्रष्टाचार किए, पूरे प्रदेश की जनता का हलाकार मचा कर रखा था और जिन्होंने तत्कालीन समय में संरक्षण दिया, आज वही उनसे मिलने के लिए लगातार आतुर हो चुके हैं। सूर्यकांत तिवारी ने याचिका प्रस्तुत की है और एक संकेत दे दिया है कि वो ज्यादा दिन तक चुप नहीं सकते और जांच एजेंसियां भी जो लगातार ये कह रही है कि इन सब के पीछे किसी मास्टरमाइंड का हाथ है, तो कहीं ना कहीं से आज ये जो पूरा मामला है ये किसी न किसी रिश्ते की ओर इंगित करता है। केदार कश्यप जवाब दें कि उनकी पुलिस जेल में बंद आरोपी के ऊपर में भूपेश बघेल का नाम लेने के लिए दबाव क्यों डाल रही है। आईजी छुट्टी के दिन जेल जाते हैं, जेल में बंद आरोपी को बुलाते हैं, उसको धमकाते हैं, उसको उसके साथ गाली गलौज करते हैं कि तुम भूपेश बघेल का नाम लो, यह बोलो कि उनके तक पैसा पहुँचाया गया था, और यह बातें उसने कोर्ट में शपथ पत्र में कही है। उसके बाद भूपेश बघेल सच्चाई का पता करने के लिए जब जेल जाते हैं तो सरकार सूर्यकांत से भूपेश बघेल को मिलने की उम्मीद दे रही है। केदार कश्यप यह बताएं कि इतनी बड़े घटनाक्रम के बाद आईजी के खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की, आईजी के खिलाफ सरकार ने क्या प्रश्नावली भेजी। सवाल भूपेश बघेल से करने के बजाय सवाल उस आईजी से किया जाना चाहिए जिसने इस षड्यंत्र को रचा है, किसके इशारे पर रचा है।